हेलो गाइस, तो इस वाली वीडियो में हम डिफरेंस देखने वाले हैं बिटवीन कोडिंग एंड कोर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि हमें कोडिंग की तरफ जाना चाहिए, हमें कोडिंग सीखनी चाहिए, या बेसिकली अपना जो करियर है वो कोडिंग को लेके बनाना है, या फिर अपनी जो कोर ब्रांच मिली है, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारी, उनको लेके आगे हमें बढ़ना है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको कई ऐसे डिफरेंस बता दूंगा जिसके बेसिस पर आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि हमें कोडिंग की तरफ जाना है या फिर कोर की तरफ। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट, जो भी सीएससी या फिर आईटी वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी तो सब्जेक्ट ही खुद कोडिंग से रिलेटेड होती है, सो उनको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बात आती है कोर वाले स्टूडेंट की, अगर वो कोडिंग करना चाहते हैं तो उन्हें कोडिंग के साथ साथ अपनी बीटेक की जो सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है, वो भी साथ में पढ़नी पड़ेंगी, तो डबल मेहनत उनको करनी पड़ती है। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा जो पॉइंट है फॉर दी कोर स्टूडेंट, क्योंकि सी एस सी आई टी वालों की तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, उनको तो कोडिंग ही करनी है, जो बी टेक में ही वो आएगा और उसी के थ्रू उनको जॉब लेनी है। लेकिन कोर वालों के लिए ये दिक्कत आ जाती है। पॉइंट नंबर टू, बात करेंगे पैसों की, पैकेज की। ठीक है, तो उसी दिशी बात है, जो भी कोडिंग के थ्रू प्लेसमेंट जैसे स्टूडेंट का होगा उसका पैकेज कई गुना ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो भी कोर सब्जेक्ट पढ़ के बेसिकली कोर कंपनियों में प्लेसमेंट लेगा उससे। और ये सी एस सी आई टी वालों के लिए तो मैक्सिमम होता ही है, बाकी जो कोर ब्रांच से भी अगर कोडिंग करके गया है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैकेज मिलता है कोडिंग के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, बात करेंगे जॉब सिक्योरिटी की, जॉब स्टेबिलिटी की। तो अगर स्टेबल जॉब आपको चाहिए तो कोर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी बात होती है कि गवर्नमेंट में ही नहीं, प्राइवेट कंपनी में भी उनको जो भी जॉब मिलती है वो एक तरीके से आप ये मान के चलिए, अगर कोई आप उल्टी सीधी हरकत ना करें तो आपकी जॉब स्टेबल है, आप लाइफ टाइम तक उसी कंपनी में काम कर सकते हो। लेकिन कोडिंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं सी एस सी आई टी वाले, वो जो भी कंपनी ज्वाइन करते हैं वहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है कि वो आपको एक साल के अंदर भी ना हटा सके, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है फॉर कोडिंग स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, बात करेंगे जो भी कोर वाले स्टूडेंट होते हैं तो उनको बेसिकली टेंजिबल चीज़ों के साथ वर्क करना रहता है, जैसे कि मशीन्स वगैरह हो कुछ भी। ठीक है, तो वहां पर वो फिजिकली प्रैक्टिकली जाके चीजों को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोडिंग वाले होते हैं वो क्या, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर रखा होगा सामने, वही सॉफ्टवेयर वगैरह आपको जो भी कुछ है वो बनाना होता है, तो उसमें कुछ इंटेंजिबल चीजों के साथ आपको वर्क करना रहता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में अंदर घुस के उसे निकाल थोड़ी लोगे ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट, कोडिंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रेफर करते हैं प्राइवेट कंपनियां, क्योंकि वो उनको ज्यादा पैकेज देती हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब। वहीं पर जस्ट उल्टा, जो कोर वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा अच्छी मानी जाती है कंपेयर टू प्राइवेट जॉब। प्राइवेट में तो जो कोर वाला स्टूडेंट होगा एकदम उसको क्या ही बताऊँ मैं, पैकेज बहुत ही कम रहता है उनका। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी इंक्रीमेंट। सैलरी इंक्रीमेंट जो भी किसी सी एस सी या फिर आई टी वाले स्टूडेंट, बेसिकली कोडिंग वाले स्टूडेंट के लिए जो होगा वो कई गुना ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो कोर वाला स्टूडेंट होगा। कोर वाले की मान के चलो हर साल पढ़ रहे हैं 1-2-3 हज़ार रुपये पर मंथ, वहीं उसके बढ़ सकते हैं 20-30-40-50 हज़ार पर मंथ। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी कोडिंग कर रहे होते हैं स्टूडेंट, अगर वो थोड़ी हल्की फुल्की भी कोडिंग सीख लें, मतलब कि बेसिक जानकारी ले लें और थोड़ी किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी अगर अपनी पकड़ बना लें, तो उनके प्लेसमेंट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं जो कोर वाले स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि यही मान के चलिए आप किसी भी पीएसयू के लेना चाह रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स को लेना चाह रहे हो, तो उसकी कट ऑफ कितनी ज़्यादा होती है, मतलब कि आपकी टॉपरों में गिनती होनी चाहिए तब जाके आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। लेकिन वही कोडिंग में आपने थोड़ी सी भी कोडिंग सीख ली, जो सी की उसी पर अच्छी पकड़ बना ली, उसी के थ्रू आपका अच्छा प्लेसमेंट लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि सी एस सी आई टी किसी भी कॉलेज की सबसे बेस्ट ब्रांच होती है, सबसे हाइएस्ट पैकेज और सबसे हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट उसी क्लास से होता है, बेसिकली सी एस सी वाली या फिर आई टी वाले ब्रांच से। ठीक है, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो सीएसई में जो भी स्टूडेंट होगा वो किसी भी कॉलेज से हो, चांसेस काफी होते हैं कि उसका प्लेसमेंट हो ही जाएगा। लेकिन जो कोर वाला स्टूडेंट है उसके प्लेसमेंट के चांस डिपेंड करते हैं कॉलेज के ऊपर, कि अगर अच्छा कॉलेज है तो उसमें कोर की कंपनी आती है तो ही उसका प्लेसमेंट हो पाएगा, क्योंकि जो कोर की कंपनी है वो छोटे से मान के चलिए लोअर कॉलेजेस में उतनी नहीं आती, तो उसे गवर्नमेंट जो एग्जाम्स हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट, जो भी कोडिंग है वो कहीं से भी की जा सकती है, कहीं पर भी आप लैपटॉप खोल के बैठ जाइए, अपना सॉफ्टवेयर जो भी बनाना हो बनाते रहिए, ठीक है। तो ये वर्क फ्रॉम होम कहीं से भी कर सकते हो। कोरोना ऐसी सिचुएशंस में सीएसई वाले ही सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन जो कोर वाले हैं वो बस घर पर बैठ के मूवी वगैरह देखो, ये सब देखो और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। अब आप डिसाइड कर पाओगे इस वाली वीडियो के देख के, अपने जो भी जिस किसी को भी पैसे के हिसाब से देखना हो तो वो अपना पॉइंट देख ले, जिस किसी को स्टेबिलिटी के हिसाब से देखना हो तो वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर ले बेसिकली कि हमको क्या करना है आगे चल के। सीधी सीधी बात है, जो भी कोर वाला स्टूडेंट होगा उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसे कोडिंग में जाना है तो। सीएसई वाले तो मोस्टली कोडिंग ही करते हैं, वो कोडिंग में ही जाएंगे और अच्छी बात है।